अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एपीएमसी चुनाव में अशोक वालुंज शंकर पिंगले की जीत, मसाला मार्केट से विजय भूटा, धान्य बाजार से नीलेश वीरा ने लहराया परचम। मुंबई की एपीएमसी मंडी में 29 फरवरी को संपन्न हुए चुनाव के नतीजे सोमवार को मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए। कांदा बटाटा मार्केट से जहां अशोक वालुंज विजयी घोषित हुए हैं, वहीं भाजीपाला मार्केट से शंकर पिंगले को दोबारा जीत हासिल हुई है, जबकि अनाज बाजार से नीलेश वीरा ने विजय का परचम लहराया है। मसाला मार्केट से विजय भुट्टा ने जीत हासिल की है। यहाँ पूर्व संचालक कीर्ति राणा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अपनी शानदार जीत के बाद अभिवादन करते हुए भाजीपाला मार्केट के नव निर्वाचित संचालक शंकर पिंगले ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं व्यापारियों की है। उन्होंने मार्केट की प्रलंबित समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। आदर भाजी मार्केट मधल्या व्यापारी एकजुटीचा विजय आहे। सगळ्या व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन मला उमेदवारी दिली आणि पुन्हा एकदा मला दुसऱ्यांदा मार्केट कमिटीवर संचालक निवडून आलं, त्याबद्दल मी सगळ्या व्यापाऱ्यांचं मनापासून धन्यवाद देतो, आभार मानतो आणि हा व्यापारी एकजुटीचा विजय असं मी जाहीर करतो। मार्केटमधले जे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते सगळे आम्ही महासंघाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन सोडवणार आहोत। बता दें कि एपीएमसी की कुल 5 मंडियों के साथ माथाड़ी, मापाड़ी, तुलारी संघ समेत 6 संघों का चुनाव कराया गया। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस का पलड़ा एक बार फिर भारी दिखा है। माथाड़ी संघ से एनसीपी के पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे और फल बाजार से संजय पानसरे पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। धान्य बाजार में भी राका की घड़ी ने आवाज बुलंद की है। फिलहाल नए संचालकों से उम्मीद बढ़ी है कि वे मार्केट की समस्याओं का समाधान करने और विकास को गति देने में मददगार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।